नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में साल 2020 में चार चंद्र ग्रहण, जी हां चार चंद्र ग्रहण क्या डालेंगे मेष राशि पर असर, सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह कहना चाहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और टक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। चंद्र ग्रहण, चार चंद्र ग्रहण की सीरीज में यह दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हम कर चुके हैं, देश और दुनिया पर क्या असर डालेगा। ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा चार चंद्र ग्रहणों। देखिए, एक बात को आपको समझना होगा, वो ये कि मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है। आपके स्वामी मंगल हैं और ग्रहण हमेशा राहु और केतु के कारण पड़ता है और आपके हमेशा एंटी रहता है। लेकिन एक बहुत ही विचित्र सी चीज होने जा रही, 2020 में चार चंद्र ग्रहण है। मैं फटाफट आपको पहले बता देता हूं, ये चंद्र ग्रहण आपके लिहाज से कहां कहां पड़ने जा रहे हैं, किस किस भाव में पड़ने जा रहे हैं बता दूं मेष राशि वालों। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ा है 11 जनवरी शनिवार के दिन, उपछाया चंद्र ग्रहण, हालांकि इसका धार्मिक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत समेत यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसका सूतक मान्य नहीं होगा, धार्मिक दृष्टि से कौन सा ये मान्य नहीं है, परंतु ये हर राशि पर असर डालेगा, हर चीज, हर जीव जंतु पर असर डालेगा, हर व्यक्ति विशेष पर असर डालेगा, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो। इसलिए असर आप पर भी आ रहा है मेष राशि पर। ये जो चंद्रग्रहण है, जो 10 और 11 तारीख का चंद्रग्रहण पड़ा था, ये चंद्रग्रहण मूलतः पहला वाला जो चंद्रग्रहण है, ये शनिवार के दिन चंद्रग्रहण पड़ा था, 11 जनवरी के दिन रात को, और ये चंद्रग्रहण जो है मूलतः मिथुन राशि में पड़ा था और पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ा था, और ये आपके तीसरे भाव में पड़ा था। इस ग्रहण के कारण कहीं ना कहीं पारस्परिक संबंधों में दिक्कत आई, और मूलतः तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भी भाव है। तो इसलिए ये जो ग्रहण था, पहला ग्रहण, ये आपके मूलतः फेम में भी कमी ला सकता है, साथ साथ के अंदर भाग्य से थोड़ा मंदा पड़ जाता है। राहु और केतु की दृष्टि 5, 7 और 9 वक्र अवस्था में होती है, इसलिए भाव नंबर 7वां, भाव नंबर 9वां, भाव नंबर 11वां और भाव नंबर 1 यानी कि स्वास्थ्य, पराक्रम, साथ साथ के अंदर आपका दाम्पत्य जीवन, इसके अलावा भाग्य और लाभ भाव, 5 भाव प्रभावित होते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रभाव जरूर बिगड़ सकता है, और साथ बसात के अंदर इस चंद्रग्रहण ने कहीं ना कहीं दांपत्य संबंधों को भी कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया। दूसरा जो चंद्रग्रहण है आपका, जो 6 जून शनिवार के दिन घटित होने जा रहा है, और ये वृश्चिक राशि में होने जा रहा है, आपके आयु भाव में होने जा रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है, बुध के नक्षत्र में। बुध आपकी कुंडली में रोगेश का स्वामी है और वृश्चिक राशि आप ही के स्वामी मंगल की राशि है मेष राशि, इसलिए स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं चरमराएगा, सुखों में भोगों में कमी आएगी, क्योंकि सेकंड हाउस भी इफेक्टेड है, धन जो संचित है उसमें भी विकार आ सकते हैं। 7-7 के अंदर आपको बता दूं, भाव नंबर 6 भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे। 12वां भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन शत्रुओं का दमन जरूर हो रहा है। 7-7 के अंदर आम दैनिक खर्चों में भी आपके कमी आ रही है। जो तीसरा ग्रहण है 5 जुलाई रविवार के दिन, ये जो ग्रहण है ये धनु राशि में हो रहा है, और इसलिए ये आपके भाग्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, 7-7 के अंदर आपका पराक्रम भी करेगा। कुल मिला के ये जो ग्रहण है, 3 ग्रहण, ये आपके भाग्य पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए आपका भाग्य मंदा पड़ जाएगा। 4वां ग्रहण, ये ग्रहण 30 नवंबर 2020 को घटित होने वाला है, और ये ग्रहण पूर्णिमा तिथि रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में आपके धन भाव में पड़ रहा है। धन भाव, आयु भाव, एक्सीडेंट होने के योग, पैसे के अत्याधिक खर्चा होने के योग, पैसे
जो जमा किए हुए पैसे हैं उनको गंवाने का योग बनता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है, एक्सीडेंट्स होने के या बीमारी होने के चांसेस जन्म लेते हैं, साथ ब साथ के अंदर दैनिक खर्चों में कटौती का संकेत देता है। अब प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आपको बताऊंगा विशेष क्या करें। जिस दिन भी चंद्र ग्रहण हो उस दिन विशेष रूप से एक जरूर काम किया जाए, वो ये कि किसी भी पानी के लोटे में थोड़ा सा दूध भर के उसे रात्रि में छत पर रखा जाए और अगले दिन सुबह जब मोक्ष काल हो जाए ग्रहण का, तब इस लोटे को किसी भी चौराहे पर जाकर आप उसका गोला बनाते हो जल से, जल में थोड़ा दूध जरूर मिलाए, निश्चित रूप से कष्टों में कमी आएगी। तो मित्रों कल आपसे फिर मुलाकात होगी जहां हम आपको बताएंगे 2020 के चार चंद्र ग्रहण क्या करेंगे, वृषभ राशि का हाल क्या डालेंगे वृषभ राशि पर असर। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र अपने सखा अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।